मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने 2 साल बाद सपा से बगावत कर दी थी। दरअसल अखिलेश यादव ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में अपर्णा को टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने बगावत कर दी और बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी। लेकिन 2 साल में बीजेपी ने भी अपर्णा को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, जिसके बाद उनकी सपा में वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। और इस बारे में सपा सांसद डिंपल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव सपा में वापसी कर सकती हैं। अपर्णा के सपा में वापसी के संकेत मिलने लगे हैं। पिछले दिन अपर्णा यादव ने सपा महासचिव शिवपाल यादव से मुलाकात भी की। मुलायम परिवार में अपर्णा को शिवपाल यादव का करीबी माना जाता है और वो पहले भी अपर्णा की घर वापसी की कोशिश करते रहे हैं। दरअसल अपर्णा बीजेपी में भले ही शामिल हो गई हो, लेकिन 2 साल बाद भी बीजेपी ने उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। इसके बाद से वो भी घर वापसी की कोशिश में जुट गई हैं, जिस पर अब डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस तरह का कोई फैसला लेता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। डिंपल के बयान से साफ है कि अब सपा में अपर्णा की वापसी की तैयारी शुरू हो गई है। सपा ने अपर्णा के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। अब फैसला अपर्णा यादव को करना है कि वो कब घर वापसी करती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।